हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। और तो चलिए शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को, और उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम फिर कहीं दूर जंगलों में घूमने के लिए जाएंगे। आपको पता है कि आजकल कोरोना चला हुआ है, तो कोरोना काल में जो है फिर घूमना कहीं पे अच्छा नहीं है अपनी सेफ्टी के लिए। तो हम ऐसे पहाड़ों पर घूम सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, और फिर सेफ भी हम रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर जल्दी से और चलते हैं आगे की तरफ। और उम्मीद करता हूँ कि आज तो मैं आपको हनी भी जो है वो दिखा ही दूँ। तो मधुमक्खियाँ ढूंढते ढूंढते आज देखते हैं कि कहाँ तक हम पहुँचते हैं, और फिर आगे बताएंगे कि आपको जो जो भी हमें कुछ मिलता है तो उसको भी हम दिखाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हम कितनी ऊपर इस पहाड़ी पे जा रहे हैं, और तब जाके फिर हमें मधुमक्खियाँ जो हैं वो देखने को मिलेंगी। तो आखिर दोस्तों पहाड़ी पर ऊपर चढ़ने के बाद जो है वो हमें कुछ दिख गया है, और आपने पिछले ब्लॉग में भी देखा होगा। तो आपको पता होगा कि हम मधुमक्खियाँ ढूंढते ढूंढते कितने दूर और कितनी हाइट पे पहुंच गए थे। तो आखिर अब हमें जीत मिल ही गई दोस्तों। तो अब देखते हैं, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं। अभी तो मुझे कंफर्म नहीं है कि मधुमक्खियाँ ही हैं, या क्योंकि ये जो है वो थोड़ा सा छुप के और छाया जैसे में ये बैठती हैं जहाँ पे धूप कम लग सके। तो चलिए देखते हैं साथ में, और फिर आप भी देखिए। और साथ में मैं आपको यहाँ पे लगे हुए फ्रूट जो हैं वो भी बताऊंगा, जो कि जंगलों में लगे होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये भी एक फ्रूट है जिसका नाम है, जिसको हमारी लैंग्वेज में आखा बोलते हैं, और मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। तो अब आगे जाके अगर वो फ्रूट का पेड़ जो है वो फिर से मिलेगा, तो पौधा है, छोटे छोटे पौधे होते हैं, और यहाँ पे मैं आपको उसका थोड़ी देर में नाम भी बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं जल्दी से। और एक चीज़ और आपको मैं दिखा दूँ, इसमें भी फल लगते हैं जिनको हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में गरनू, और इनसे हम छोटे होते थे तो च्युइंगम भी बनाते थे। तो कुछ इस तरह का बचपन होता है दोस्तों, आपको पता है। और अब हम ऊपर, मेरे को एक छोटा सा पौधा दिखाई दे रहा है, तो चलिए मैं उसके पास जाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि कौन सा ये पौधा है और क्या बोलते हैं इसको। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ पे हिमालयन फ्रूट दिखाता हूँ।
ये आप देख सकते हैं, ये इसको बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में कैंथ, जो कि इसके फल जो हैं वो, ये तो काफ़ी छोटे हैं, इसे बड़े बड़े फल भी होते हैं। और वो डिपेंड करता है कि पौधा जो है कितना बड़ा है। और साथ में ही हमारे साथ यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं, ये है ऑरेंज बेरी का पेड़। और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑरेंज बेरी भी लगी हुई है, जो कि आप ये देख सकते हैं। और थोड़े से मैं इकट्ठे करके आपको दिखाता हूँ, ये जो है वो आपको यहाँ पे तो काफ़ी कम लगी है, अब काफ़ी कम हो चुकी है, लेकिन कहीं आगे और यहाँ पे काफ़ी पेड़ होते हैं, इसके काफ़ी पौधे होते हैं, तो और ये स्वादिष्ट भी काफ़ी होती है। और आपको पता है कि ये ऑर्गेनिक है, और ये पूरी, और अभी यहाँ पे जो हैं वो कुछ यहाँ पे खा लिए हैं इसके, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, इसके कांटे भी होते हैं, तो फिर ज़्यादा कांटे जो है वो हम खुद को चुभोना नहीं चाहेंगे, इसलिए हम थोड़े से खा के ही संतुष्ट हैं। और चलिए फिर आगे को चलते हैं। और अभी मैं दोस्तों हमारे गांव की सबसे टॉप पे जो जगह है वहाँ पे पहुँच चुका हूँ मैं। और यहाँ पे नीचे का दृश्य मैं आपको दिखाता हूँ। तो आज के ब्लॉग में आपने देखा कि हमने आपको मधुमक्खियाँ जो हैं वो दिखा ही दी, और अब मैं आपको नीचे का व्यू यहाँ से दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे गांव का स्कूल है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो कि बधानी। और ये यहाँ पे भी ग्राउंड है एक, और एक ग्राउंड जो है वो यहाँ पे है सामने, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह का कुछ यहाँ से दूर है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको दिखाया ऑरेंज बेरी और जामुन के पेड़, और साथ में कैंथ के पौधा भी आपको दिखाया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और मधुमक्खियों का छत्ता भी आपको दिखाया, शायद आपको साफ तो नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अब दिन के समय में वहाँ पे पास जाना जो है छत्ते के, वो बहुत ही डेंजरस होता है, तो इसलिए दूर से ही मैंने आपको दिखाया। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और जल्दी ही नई वीडियो के साथ मैं मिलूँगा आपके साथ। तो तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपने सब्सक्राइब भी चैनल को कर दिया होगा। तो चलिए, बाय बाय एंड सी यू।